पढ़ लिख कर पकौड़े ही तलने हैं तो पढ़ेगा कौन, और जब देश के यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में ताले लग जाएंगे तो देश में आगे बढ़ेगा कौन। नमस्कार, मैं शीतल विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड। गढ़वा जिले के कालीस्थान मंदिर का ये मैदान है और यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र निराश हैं, हतप्रत हैं, धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपकी मुलाकात उनसे कराएंगे। पहले थोड़ी जानकारी दे दें कि 2018 में इन्होंने परीक्षा दी थी, चयन भी हो गया पर नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। इनकी उम्र निकलती जा रही है और ये बेरोजगारी से इतने हताश और निराश हैं कि इनका अब केंद्र सरकार पर भरोसा ही उठ गया है। किसानों के बाद अब छात्रों की बारी है। आइए हम आपकी कहानी उनको सामने पेश करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये धरना प्रदर्शन आप लोग किस लिए कर रहे हैं? SSC GD में भर्ती के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आपने परीक्षा पास कर ली है? हमने परीक्षा पास कर ली है। अच्छा, ये 2018 का मामला है? ये 2018 का मामला है। मेरा नाम अली राजा अंसारी है और ये भर्ती 2018 में निकली थी और 2018 से लेकर 2021 तक हम लोगों ने एग्ज़ाम निकाली, एग्ज़ाम पास कर गई, दौड़ निकाली उसमें भी पास कर गए, मेडिकल में हुआ उसमें भी फिट कर गए, और मेडिकल फिट करने के बाद अभी 20-21 जनवरी को मेरिट आया जिसमें कि 40,000 छात्रों को छाँट दिया गया। ये बताते हुए और ये जानते हुए कि हम लोग का एज एक्सपायर हो रहा है, ये 2018 की भर्ती थी। और एक मिनट, परीक्षा पास कर गए, लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, सारे कुछ पास कर गए और ये सरकार की तरफ से देर हुई है नियुक्ति में, तो जब सरकार की तरफ से देरी की गई है तो छात्र भुगतान क्यों करें? तो ये सरकार की तरफ से देरी हुई है नियुक्ति में, आप लोगों ने कोई और कदम नहीं उठाया? आज पहली बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, हम लोग पहली बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले कि वो रिजल्ट आने के बाद ये हम लोग रांची में गए, दिल्ली में गए थे, वहाँ भी हम लोग के खिलाफ कोई भी, हम लोग का पक्ष में कोई भी केंद्र सरकार बात नहीं सुनी। कितने छात्र हैं लगभग आप लोग गढ़वा जिले से? गढ़वा जिले से लगभग 2-3 हज़ार छात्र हम लोग हैं। 2-3 हज़ार, सबने परीक्षा पास की? हाँ, सबने परीक्षा पास किया हम लोग। तो आपका एज सरकार के मतलब नियुक्ति में देरी होने से उम्र निकली है? सरकार में, सरकार को नियुक्ति की वजह से हम लोग का वो देरी की वजह से हम लोग का एज एक्सपायर हो गया। और सरकार ने संसद में ये भी बताया कि 1,11,000 सीट अभी SSC GD में खाली है। अच्छा, जब सीट खाली है तो सरकार ये क्यों बोल रही है कि उम्र सीमा निकल गई है, नियुक्ति नहीं होगी? आपने सरकार के और कोई पहल नहीं की कि सरकार की तरफ से देर होने के कारण आपकी उम्र निकली है? बस सरकार को तो बताने के लिए हम लोग हैं कि सरकार से पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से कि बताए कि हम लोग अब कहाँ जाएं। हम लोग का तो एक निकल गया, 25 मार्च 2021 में जो भर्ती आने वाली है उसमें हम लोग भर नहीं सकते, तो बताए कि जाए कहाँ, हम लोग बताएं कि जाए कहाँ। सीधा सवाल है सरकार से और सरकार को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा पास करने के बाद भी नियुक्ति में देरी हुई है। चलिए और आपकी बात कराते हैं कि आपका क्या मुद्दा है? मेरा यही मुद्दा है कि हम लोग जितने मेडिकल फिट हैं, हम लोगों को ज्वाइनिंग कराया जाए, ज्वाइनिंग कराया जाए। इस तरीके धरना प्रदर्शन से क्या सरकार सुनेगी आपकी बात? सरकार तो हर समय धरना प्रदर्शन से ही सुनती है। सुनती है, बॉर्डर पर किसान 70-80 दिन से पड़े हुए हैं, कहाँ सुन रही है? आपकी क्या सुनेगी, क्या करेंगे क्या आप लोग? नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग देश की युवा हैं, जो देश की धड़कन भी हैं, और हम लोग का अगर सरकार, अगर हम लोग का हौसला कोई नहीं रखेगा, हम लोग का भी जज्बा है, हम लोगों ने माँ बाप की पढ़ाई लिखाई पैसा खर्च करवा के अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पैसा खर्च होती है। आप ये भी जानते हैं केंद्र सरकार की, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जो कि दिन भर माँ बाप मजदूरी करते हैं, उसके बाद ही हम लोग को कलम किताब के लिए पैसा देते हैं। तो अगर हम लोग का एक एक्सपायर हो गया तो हम लोग अब जाएंगे कहाँ, और सरकार हम लोग को बात सुनेगी क्यों नहीं, उनको सुनना पड़ेगा। भारी निराशा है, पढ़ाई लिखाई पैसा उम्मीद सब बेकार हो गया है और परीक्षा निकालने के बाद तो बहुत घर में खुशी हुई होगी कि अब तो हमारी बस नियुक्ति भर की देरी है। हम उस माँ बाप को क्या बताएं जिस समय जब मेडिकल फिट हुए थे उस समय घर वालों ने बोला कि आपके बेटा के, तो बोला कि हाँ मेरा बेटा को तो मेहनत करने के बाद तो हो गया। अब माँ बाप को क्या बताएं हम, क्या बताएं हम, अगला कदम सरकार का जवाब चाहिए कि हम माँ बाप को क्या बताएं। सरकार से सवाल है कि माँ बाप और समाज को क्या जवाब दे कि नियुक्ति क्यों नहीं हुई, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा कि सरकार से लगातार मांगे रहेगी जारी। हाँ। और सरकार हम लोग पे वो भरोसा नहीं, मतलब हम लोग का ज्वाइनिंग दे जो फिट है। हाँ। क्योंकि सांसद भवन में कहा गया 1,11,000 सीट खाली है। हाँ। और हम लोग 40,000 को मेडिकल सीट है। हाँ। तो सरकार बेफुजुल खर्च क्यों करेगा? हाँ। भर्ती ही निकालना तो 40,000 को लेकर भर्ती निकाले। हाँ। क्योंकि हम लोग का एज एक्सपायर है ना। हाँ। फिर दोबारा तो भर नहीं सकते, तो जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? तो क्या आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? कोर्ट को दरवाजा अभी खटखटाएंगे हम लोग। अभी यहाँ से हम लोग के बात तो अभी कर रहे हैं, यहाँ के बाद हम लोग रांची जाएंगे और अपने राज्य सरकार से हम लोग वहाँ पे कोर्ट फाइल करेंगे और उनके थ्रू कहेंगे कि आप, हम लोग राज्य सरकार से आप लोग अपील करते हैं, आपकी दरवाजा खटखटाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से, गृह मंत्रालय, अमित शाह जी से आप बात करें, हम लोग युवाओं के दर्द को समझें ताकि हम लोग जज्बा के साथ इस देश में जिए और इस देश को हिफाजत रखें।
बहुत सही बात है, युवा यहाँ खड़े हैं, निराश है, फिर भी जज्बा बरकरार है, लगातार केंद्र सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं। आप सुन के समझ गए होंगे कि ये देरी सरकार की तरफ से हुई है, क्योंकि सरकार ने इनकी नियुक्ति में देरी की है। लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा सब में ये फिट हो चुके थे, बस नियुक्ति में देरी कर दी सरकार ने, और अब सरकार का कहना है कि आपकी तो उम्र भी निकल गई। अभी एक छात्र ने यह भी बताया कि सरकार के पास सीटें भी खाली है, और ये इन छात्रों की पीड़ा ये है कि इनकी उम्र सीमा निकलने से अगली परीक्षा में ये बैठ नहीं सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि ये छात्र जाए तो जाए कहाँ। देश भर के छात्रों की ये समस्या है, ये सिर्फ झारखंड बिहार यूपी की नहीं, क्योंकि सरकार इतना देर ही करती है परीक्षा लेने में कि छात्रों की उम्र निकल जाती है। लेकिन ये मामला बड़ा अजीब इसलिए भी है क्योंकि परीक्षा तो ले ली सरकार ने, इनकी बस नियुक्ति होनी थी, नियुक्ति में देर करने के कारण उम्र सीमा निकली है। तो सरकार को जवाब देना होगा और ये सोचना होगा कि वास्तव में ये स्कूल कॉलेज पढ़ाई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी और परीक्षा लेती ही क्यों है, जब नियुक्ति लटका कर छात्रों की उम्र ही समाप्त कर देती है। क्या छात्र निराशा के गर्त में इसी तरह चले जाएंगे? तो क्या आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी? क्या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेगी? जवाब आपको देना होगा। कैमरामैन महताब आलम के साथ मैं शीतल विश्वकर्मा, डेली न्यूज झारखंड।